बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन सुनवाई करें। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लोग अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, यानी कि आर्ट्स विलाइंस लोग यहां पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आर्ट्स विलाइंस की, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन सुनवाई कर रहे हैं। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा था कि सोमवार को अब वो अपने आवास पर जन सुनवाई करेंगे, उस दौरान ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं फरियाद लेकर? देखिए, पिछले सोमवार से ही ये सिलसिला शुरू हो चुका था। मुख्यमंत्री के आवास पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो जन सुनवाई कर रहे हैं। और आज से चूंकि सोमवार है तो आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। पिछली बार की तुलना करें तो पिछली बार चूंकि लोगों को पहले ज्यादा जानकारी नहीं थी, अब चूंकि खुद मुख्यमंत्री जो है वो औपचारिक रूप से घोषणा कर चुके हैं कि हर सोमवार को वो जन सुनवाई करेंगे। खुद अगर जयपुर में मौजूद रहेंगे तो खुद जन सुनवाई करेंगे, और जयपुर में मौजूद नहीं रहेंगे तो उनके द्वारा बनाई गई स्पेशल टीम है वो आर्ट्स विलाइंस पे लोगों की फरियाद सुनेगी और उनकी जो भी समस्या है उनका तुरंत निराकरण करने का प्रयास करेगी। क्योंकि देखिए, सूबे के मुखिया का अगर निवास हो और वहां पर जन सुनवाई हो तो लोगों को उम्मीद होती है कि उनकी जो भी दिक्कतें हैं उनका तुरंत समाधान होगा। और यही उम्मीद लेके अगर कह सकते हैं कि समस्याओं के आखिरी पड़ाव को मान के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और आज सुबह से मैं आपको बताऊं कि बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी मुख्यमंत्री जो है वो जन सुनवाई शुरू करेंगे, उसमें थोड़ा सा वक्त है, लेकिन चूंकि लोग पहले ही यहाँ लाइन में लग गए हैं ताकि उनका नंबर पहले आ सके। लेकिन ये है कि जो भी लोग यहाँ आए हैं उन सभी की बातें सुनी जाएगी, उन सभी की मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान कोई समय की बाध्यता और किस तरीके के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं? देखिए, अभी विजेंद्र, चूंकि जन सुनवाई जो है वो शुरू हुई नहीं है लेकिन लंबी कतारें हैं वो लग चुकी हैं। तो जैसे जैसे लोग मिलेंगे मुख्यमंत्री से वैसे वैसे ये बात भी सामने आएंगी। लेकिन मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आम लोग भी है, जनप्रतिनिधि भी है, विभिन्न समाजों के और विभिन्न संगठनों के जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी है, विधायक भी थोड़ी देर में है जी नजर आएंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इसमें लोग अपनी मांग रखने के लिए भी आए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कार्यक्रमों का या पोस्टर का विमोचन कराने के लिए यहाँ आए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन तस्वीरें यहाँ पर जो नरेश आपके जरिए पहुँचाई गई, उन तस्वीरों को हम देख रहे हैं, इसमें युवा काफी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा, प्रतिनिधि मंडल के रूप में जो है वो युवा आए हैं, और युवाओं की जो मुख्य मांग होती है वो आप भी जानते हैं, रोजगार की होती है, कई जो बढ़ती है उनको लेके भी वो बात करने आए हैं। और ऐसे में चूंकि मुख्यमंत्री ने आते ही कई ऐसी सहूलियत भी दी है ताकि जो भर्ती का जो पहले कहीं रुकावट आ रही थी वो भी खत्म की जाए। और हाल ही में मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की थी कि जो भर्तियां कहीं अटकी हुई है किसी कारण से और उसमें कोई प्रशासनिक स्तर पे अगर कोई फैसला लेना है तो तुरंत किया जाएगा। तो हर उम्र के जो लोग हैं वो आए हैं, महिलाएं भी आपको काफी अधिक संख्या में दिखाई देंगी, बुजुर्ग भी आए हैं, युवा भी यहाँ आए हैं। तो बड़ी चीज ये है कि देखिए, मुख्य रूप से जो यहाँ पे जो लोगों की मांगे हैं, जो हमने लोगों से बातचीत की है उन तक जो बातें निकल पाई है, एक तो जो है पानी की है, सड़क की है, शिक्षा से जुड़ी हुई बातें हैं, जमीनों के जो विवाद है, राजस्व से जुड़े जो मामले वो है। कई जगह ऐसी शिकायत आती है कि जो कोर्ट है उनके फैसले होते उसके बावजूद जो प्रशासन है उनको लागू नहीं कर रहा, जो लोगों के बातें हैं उन्हें सुन रहा है। क्योंकि देखिए, लोग यहाँ तब आते हैं जब स्थानीय स्तर पर लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती जी। तब ये मान के चलते हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से उनसे मिल लेंगे तो उसके बाद उनकी सुनवाई होगी, उनकी बात मानी जाएगी और प्रशासनिक स्तर पर भी दिशा निर्देश है वो दिए। बिल्कुल नरेश, लेकिन जिस तरीके से हम तस्वीरों को देख पा रहे हैं काफी लंबी कतार है, कम से कम 400-500 लोग यहां पर पहुंचे हैं, तो क्या ये माना जाए कि हर किसी को उम्मीद सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से? देखिए विजेंद्र, 400-500 की शुरुआती संख्या है, ये कतार और लंबी होने वाली है और इससे भी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। क्योंकि मैंने कहा कि ये कतार इसलिए लंबी है कि अब चूंकि हर किसी को पता है कि सोमवार को जन सुनवाई होगी, क्योंकि पिछली जो जन सुनवाई हुई थी वो अचानक हुई थी, उसमें पहले औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं कि सोमवार को जन सुनवाई होगी। तो लोगों को एक दिन का पता लग गया और उनको पता है कि वहां जाएंगे तो मुख्यमंत्री मिलेंगे। और देखिए, लोगों के मन में होता है, आम जनता के मन में भाव होता है कि अगर हम मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कह देंगे तो उस पर जरूर काम होगा। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि
स्थानीय स्तर पे अगर गांव ठाणे की बात करें तो कई बार जो निचले स्तर के अधिकारी है वो जो कह सकते हैं कि तुरंत त्वरित कार्रवाई नहीं कर पा रहे होंगे किसी कारण से, या टालम टोल की स्थिति होती होगी, तो हर किसी को उम्मीद होती है कि हम बात अगर मुख्यमंत्री तक रख देंगे तो उसके बाद अगर कोई विकल्प है वो नहीं बचता। और खुद मुख्यमंत्री ने आपको ध्यान, उन्होंने भी कहा था कि हर कोई ये सोचता है कि अगर मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिल लेंगे तो कम से कम उनकी बात जो है वो ये कह सकते हैं कि अंतिम स्तर तक पहुंच जाएगी और उसमें कार्रवाई भी होगी। लोग संतुष्ट होते हैं अपने मुखिया तक अपनी बात पहुंचा कर, अपने मुखिया से मिलकर। और आप देख सकते हैं कि ज्ञापन जो है वो किस तरह से तैयार करके लाए गए हैं, हर किसी के हाथ में आपको कागज मिलेगा, वो ज्ञापन का कागज है जिसमें उनके मांगे होती है, कई व्यक्तिगत मांगे हैं और कई जो है वो क्षेत्र विशेष की मांगे होती है। पूरा ग्रुप है, वो भी हम थोड़ी देर में आपको जब मिलके आएंगे मुख्यमंत्री से तब हम वो भी उनसे बात कराएंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री से बात की है, किस तरह से मुख्यमंत्री उनकी बातों को सुना। बड़ी चीज ये भी मैं बता दूं कि सीएमओ के जो इतने बड़े अफसर है वो यहाँ पे मुख्यमंत्री निवास मौजूद है और वो भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। लोगों की जिस तरह की बातें सामने आएंगी, अगर तुरंत जो है फोन करने की जरूरत होती है कि दिशा निर्देश की जरूरत होती है तो वो भी मुख्यमंत्री के इस निवास से अफसरों के माध्यम से तुरंत कार्रवाई होगी। और देखिए यहाँ पे विधायक भी थोड़ी देर में नजर आएंगे क्योंकि विधायकों के साथ भी बड़े प्रतिनिधिमंडल आते हैं। कोई क्षेत्र विशेष की, कोई गांव विशेष की अगर समस्या होती है जो कि सरकार के स्तर पर फैसले होने होते हैं, ऐसे में लोगों का यह रहता है कि अगर बड़ी संख्या में एक साथ हम जाएंगे तो मुख्यमंत्री को ये लगेगा कि हाँ बड़ी समस्या है, उसका समाधान किया जाना चाहिए। ऐसे में एक समस्या के साथ विजन से कई लोग भी एक साथ ग्रुप में आ रहे हैं यहाँ पर।